अब आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और आज एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग वीडियो देखते हैं तो हमारा पुराना वीडियो जो भी है उसको भी देखें और कमेंट में हमें टॉपिक बताएं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। ये आप लोग हमें बताएंगे किस किस टॉपिक पे बनाना है, तो टॉपिक देना आपका काम है, वीडियो बनाना मेरा काम है, मैं उस पर आपको बताऊंगा। कमेंट्स जरूर करें, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं तो कमेंट्स में लोग अपना बताएं, जिस दिन का जो विचार है, जिसको जिसमें पूछना है, जानना है, कुछ भी है, कुछ कुछ आ जाते हैं लोगों के तो मैं बना देता हूं। बट आज जो हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं सर ब्लड कलेक्शन का, कि ब्लड कलेक्शन का क्या क्या मतलब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या है वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक पूरा देखें। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए हमारा कलेक्शन एरिया है, पिछले वीडियो में भी मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को, थोड़ा लाइट जला देता हूँ। तो ये हमारा कलेक्शन एरिया है। अब देखिए हमारे इस कलेक्शन एरिया में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉटन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास सैनिटाइजर है, हमारे पास बैंडेज है, हमारे पास एल्कोहल स्वैब है, हमारे पास निडल्स हैं, ठीक है, हमारे पास होल्डर है, टॉर्निकेट, डॉक्टर लाल पैथलैब का टॉर्निकेट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारी सैंपल रखने की रैग है, उनको रैग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सैंपल को हमें ना स्टैंड रखते हैं, ऐसे इस तरह से रखना है, ठीक है, सैंपल को ना कि ऐसे रखना है, ठीक है, इसको स्टैंड रखना है। ये सार्फ कंटेनर है जिसमें हम निडल यूज करने के बाद डालते हैं, काफ़ी वीडियो में हम आप लोगों को भी दिखा चुके हैं इस तरह से, देखिए ये दिखा चुके हैं हम, ये होता है। अब देख लेते हैं हमारे पास बैग्स होते हैं जिसमें हमें केयर डालना होता है, ये रेड बैग है, इसका भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, रेड बैग है। ये हमारा येलो बैग है, इसमें कॉटन वगैरह जाते हैं, इन्फेक्शन की जो चीज़ें हैं वो जाती हैं, उसमें हम निडल वो सॉरी सिरिंज वगैरह डालते हैं। और हम इसका जो ये पार्ट्स होते हैं प्लास्टिक पार्ट्स, वो भी हम रेड बैग में डालते हैं, उसमें सिर्फ कॉटन जाता है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने वाइल्स की तरफ। तो हमारा ये है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारी हैं सॉरी तो इसमें सबसे पहले SST है, फ्लोराइड्स है, सिट्रेट है, सोडियम सिट्रेट है, ग्रीन टॉप भी हमारे पास है, हेपेरिन जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास पर्पल टॉप भी है, यूरिन के भी है, नीचे यूरिन वाले भी दिखा सकते हैं, इसमें हम ट्रांसफर करके भेजते हैं। ग्लव्स हैं, उसके बाद हमारे पास और भी इंग्रीडियंट्स रखे हैं, ग्लूकोज पाउडर है, बेटिंग मशीन है, और फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे पास है, ठीक है, कॉटन भी और ऊपर रखा हुआ है हमारा। इस तरह से हम लोग कलेक्शन को अपना बना के रखते हैं पूरा बढ़िया तरीके से। और अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि सैंपल लिया हमने, मान लीजिए हमारे ये पेशेंट कुर्सी है, बैक में दिखाइए इनको, पेशेंट की कुर्सी है ये, इस तरह से देखिए इस पर डॉक्टर लाल पैथलैब लिखा हुआ है, ठीक है, ये डॉक्टर लाल पैथलैब लिखा हुआ है। ये अब चेयर है, अब देखिए ये चेयर जो हमारा है तो इस चेयर में वैसा है, देखिए आप नॉर्मल अगर पेशेंट बैठना चाहे तो ऐसे नॉर्मल भी बैठ सकता है इस तरह से। अब मान लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम भी होती तो हम इसको ये बैक में यहाँ पे दिया होता है, ज़्यादातर लोगों को पता, तो इसको हम ऊपर भी उठा सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं ऊपर भी उठा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए अगर कोई वैसे है तो एजेड है या कुछ है तो वो इस तरह से पैर रख के भी अपना ऊपर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से सैंपल भी दे सकते हैं। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्यों लगाया गया है, देखिए इसका एक महत्व ये भी है कि मान लीजिए अगर ब्लड लेते टाइम, कलेक्शन करते टाइम किसी पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, किसी को घबराहट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी को हो सकता है, तो ये अब क्या बोलते हैं कि अगर पेशेंट को चक्कर वक्कर आए तो उनका क्या बोलते हैं कि पैरों को ऊपर करने के लिए बोलते हैं। तो ये उनके लिए इसमें सेटेबल होता है, ये जो पीछे इसमें अभी जगह नहीं है तो ये भी पीछे आपका स्टेबल हो जाता है, ये देखिए कुर्सी ये स्टेबल है इस तरह से देख सकते हैं आप, ये भी स्टेबल है। तो इसको भी हम ऐसे करके आराम से रिलैक्स हो गए उनको इस पर कुर्सी पर भी लिटा सकते हैं, मतलब एक सीट बना रखी है इस टाइप से कि उनको हम ऐसे लिटा सकते हैं आराम से, वो 2 से 5 मिनट 10 मिनट जो भी अपना करना चाहे तो वो आराम से इस पर कर सकते हैं, इसलिए इसको लगाया गया। क्योंकि हम इसको वैसे करके रखते हैं ऐसे ताकि जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो इस पर बैठ सकें, तो
इस तरह से बैठ के सैंपल भी देते हैं। अब देखिए ये चीज़ आती है, अब ये पूछ रहे ये स्टेबल क्यों है। देखिए अगर कोई यहाँ करना चाहता है, यहाँ यहाँ सॉरी देखिए इस तरह से ये सर्कल होना चाहिए। देखिए अब इसमें क्या है, ना किसी का हाथ ऐसा होगा, ना ऐसा होगा, ना ऐसा होगा, तो हम इसको यहाँ से अच्छी तरह से ब्लड कलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। हम थोड़ा सा शर्ट खोल लेते हैं इसके बटन्स, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब ये हमारा जो हैंड है, तो हमने इसको नीचे किया ऐसे, कितना एकदम स्टेबल हो गया है। हमने मुट्ठी बंद की, स्टेबल हुआ हमारा, यहाँ से ब्लड ड्रॉ होगा आराम से, हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए ये इसलिए ये कुर्सी दी जाती है, लोग कहीं कहीं देखेंगे एकदम वैसी कुर्सी होती है, या कहीं घर में जैसे टेक्नीशियन जो फ्लैबो हमारे हैं वो सैंपल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी होता है ऐसे, तो ऐसे फिर उनको रखना पड़ता है, या अपने इस पर ऐसे रखवा लेते हैं, उनके उस पर ऐसे रखवा लेते हैं तब उसको ना, बट क्योंकि एक बनना चाहिए, एक कलेक्शन का तरीका यही है। अब प्रिक प्रिक करने का जो हमारा होता है वो हमारा बंद प्रिक में हम लोग सैंपल निकालते हैं। सैंपल निकालने से पहले हमें अच्छी तरह से परख लेना चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए, अच्छी तरह से हमें कॉन्फिडेंस हमारा होना चाहिए कि हमने नस जिसको चेक किया है वो प्रॉपर तरीके से शो है या नहीं है, प्रॉपर तरीके से दिख रही है नहीं दिख रही है, प्रॉपर तरीके से आपको जिस तरह से बोलते हैं स्पिन टाइप हो रहा है वो देखना है वन प्रिक में। अब देखिए देखो क्या करते हैं लोग कि जैसे मान लो अब ये नस दिखती है आपको तो वो यहाँ से फाड़ना शुरू कर देते हैं। अब हमें करना क्या होता है, जैसे पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ से लेना है हमें, पीछे से उठा के लेना है, पीछे से न कि हमें बीच से लेना है, पीछे से लेना हल्का सा, तो क्या होगा उसमें पंक्चर जो है ना, एक यहाँ पंक्चर नहीं होगा, यहाँ स्टार्टिंग में पंक्चर हो जाएगा, तो उसका अच्छे से फ्लो भी आता है, अच्छा सा ब्लड भी आता है और बन प्रिक में हमारा सैंपल भी हो जाता है। तो ये ट्रिक था, ये अच्छा सा ट्रिक है। और बाकी जो हमारे होम कलेक्शंस वाले हैं उनके बैग वगैरह भी रेडी होते हैं, सब कुछ उनके बैग में होता है, आपका बैंडेज होती है, अल्कोहल स्वैब होता है, टॉनिकेट होता है, और निडल्स होती हैं, होल्डर होता है, वाइल्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। तो ये छोटा सा वीडियो हम आपको बनाने वाले थे। तो उसके बाद देखिए यूरिन कंटेनर भी होते हैं, कल्चर के भी होते हैं, मतलब और कार्ड मशीन भी होती है, सब कुछ उनके पास होता है, तो सब फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई भी होम कलेक्शन बुकिंग करना चाहे बुकिंग कर सकते हैं, और घर पे भी करा सकते हैं, सेंटर पे भी करा सकते हैं। तो जो हमारा मोटिव होता है, हम वन प्रिक में सैंपल निकालते हैं विदाउट पैनिक, ठीक है। तो यही आपका एक विदाउट पैनिक जो हम सैंपल लेते हैं वो ही हमारा एक प्रोसीजर है, डॉक्टर लाल पैथ लैब का प्रोसीजर जो हमारा है वो यही है कि हमें विदाउट पैनिक सैंपल निकालना होता है, ताकि पेशेंट्स को पैन ना भी ना हो, दिक्कत भी ना हो, कोई हिमोटोमा वगैरह बनने की कोई भी वैसा कुछ ना हो, इसलिए ये किया जाता है, ताकि सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस होता है सब, उसके बाद जो हमारा होता है हमें सही तरह से चेक करना होता है प्रॉपर तरीके से। तो बस इसी के साथ इसको यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, थैंक यू सो मच।